दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कीबोर्ड में माइक कैसे लाएं, मोबाइल कीबोर्ड में गूगल वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन कैसे लाएं। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास ये दो मेरा स्मार्टफोन है। चलिए मैं दोनों पे मैं अपने फ़ोन के कीबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं मेरे दोनों फ़ोन के ऑप्शन में आप कीबोर्ड में देख सकते हैं। आप एक कीबोर्ड में आपको माइक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और एक कीबोर्ड में वॉइस टाइपिंग है, जिससे जो माइक होती है जिससे हम वॉइस टाइपिंग करके, वॉइस मतलब बोलकर हम जो मैसेज टाइप करके सेंड करते हैं, वो सेटिंग आपको देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन दोस्तों हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो स्पीड में टाइपिंग करना नहीं जानते हैं या हमें अच्छे से इंग्लिश पढ़ना या लिखना नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं माइक का ऑप्शन का सहारा लेते हैं। माइक पर हम क्लिक करके टाइप इस तरीके से टैप करते हैं और माइक पे टैप करके हम यहाँ पे कोई भी मैसेज वगैरह हम यहाँ पे इस तरीके से जो भी बोलते जाते हैं वो यहाँ पे टाइप होते जाते हैं और हम मैसेज सेंड कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपके भी फ़ोन के कीबोर्ड में माइक का ऑप्शन इनेबल नहीं है या पहले थी और वो अभी छूमंतर हो चुकी है, गायब हो चुकी है, तो आप कैसे उसे इनेबल कर सकते हैं, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को इस वीडियो में आगे करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके फ़ोन के कीबोर्ड में पहले जो माइक थी वो इनेबल थी लेकिन अचानक से वो गायब हो चुकी है, आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है, चलिए दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों हम में से कई सारे लोग स्पीड में जल्दी जल्दी हम टाइप कर नहीं पाते हैं या हम में से कई लोग इंग्लिश में टाइप नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम माइक का सहारा लेते हैं। तो उस सिचुएशन में दोस्तों आपको इनेबल कैसे करना है, चलिए अब मैं यहाँ पर आप सभी को बताता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपने फ़ोन के कीबोर्ड को इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेटिंग का आइकन मिल जाएगी। वैसे ऊपर में भी यहाँ पे आपको एक सेटिंग का आइकन देखने को मिल जाती है, तो आप सेटिंग का आइकन पे क्लिक करेंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। सेटिंग का आइकन पे क्लिक करने के बाद यहीं पे आपको एक वॉइस टाइपिंग का सेटिंग आपको देखने को मिल जाती है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहती है, अगर आप नया मोबाइल परचेस करते तो भी ये सेटिंग ऑफ रहती है, आपको इसे इनेबल करना होता है। तो आप बस इसे इस तरीके से आप इनेबल कर दीजिए और ये आपके फ़ोन के कीबोर्ड में इनेबल हो जाती है। लेकिन अगर बाई चांस अगर ये पहले ऑन थी लेकिन इस तरीके से ऑफ हो गई, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस आप अपने फ़ोन के कीबोर्ड को ओपन करिए, सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करिए, देन यहाँ पर आप वॉइस टाइपिंग पर क्लिक करिए और यहाँ से इस सेटिंग को इस तरीके से इनेबल कर दीजिए। इनेबल करते ही अब आपके फ़ोन के कीबोर्ड में यहाँ पर आपको माइक का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगी, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे इजीली आप यहाँ पे इस तरीके से प्रेस करेंगे और यहाँ पे अब आप जो भी चीजें बोलते जाएंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइप होते जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप जैसा कि देख सकते हैं मैं जो भी चीजें बोल रहा हूँ यहाँ पे टाइप हो रही, तो इस तरीके से अगर आपके फोन की कीबोर्ड का जो माइक है वॉइस टाइपिंग है वो ऑफ हो चुकी है तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।